नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बेहद ही गंभीर, बेहद ही जरूरी और एक बेहद ही वृहद विषय जो शायद हर किसी से संबंधित है, हर किसी से जुड़ा हुआ, उसे हम उठा रहे हैं और वो है डायबिटीज, जिसे हम कह रहे हैं दबे पाव मौत। जी हाँ, दिल की बीमारी के बाद मौत की सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज या मधुमेह। मुंबई में एक एनजीओ प्रास फाउंडेशन ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया है कि सपनों की नगरी में 11% मौतों के लिए डायबिटीज जिम्मेदार है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में रोज 26 लोग डायबिटीज की वजह से मौत का शिकार होते हैं। हालांकि डायबिटीज मौत की कोई सीधी वजह है या ये कोई दूसरी बीमारी पैदा कर मौत की वजह बनती है, इस पर डॉक्टरों के बीच मतभेद है। लंबे समय से बात होती रही है, लेकिन बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक देश के 6 करोड़ लोग यानी आबादी का लगभग 8% हिस्सा डायबिटीज से पीड़ित है और मेरा यह अनुमान है कि ये वो लोग हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। जिनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। अनुमान है कि लगभग इतने ही लोगों को शायद पता नहीं है कि ये बीमारी उन्हें है या नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेगुलर चेकअप और वक्त वक्त पर पहचान ही इस बीमारी की सबसे बड़ा बचाव है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी खतरनाक बीमारी पर होगी बहुत सारी बातें और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं दिल्ली से शिखा शर्मा हमारे साथ शामिल होगी और आगे कुछ और मेहमान भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिकी साहब, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है और आप तो लाइफस्टाइल को ही देखते हैं लोगों की, बिल्कुल, तो क्या हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से बदल गई है कि डायबिटीज जो है वो भारत में एक तरीके से उसने अपना घर बना लिया, अब हम राजधानी कहलाने लगे हैं डायबिटीज को लेकर? हम लोग लगभग 50-75 साल से कैंसर से डरते आए हैं, अब डायबिटीज से डरना चाहिए, कैंसर से इतना नहीं है। ओके, डायबिटीज से डरना जरूरी है और डायबिटीज से लड़ना जरूरी है। और हमारी लाइफस्टाइल इतनी बुरी हो गई है, इतनी पिट चुकी है, ना नींद वक्त पे है, ना खाना वक्त पे है, कब्ज ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, सिर दर्द कांस्टेंट है, पाचन शक्ति कमजोर हो चुकी है, पैनक्रियास मैनेजमेंट फेलियर, किडनी मैनेजमेंट फेलियर, लिवर इज नॉट वर्किंग फाइन, ये सारी चीजों से डायबिटीज पे ज्यादा जोर पड़ता है। एंड शुगर मैनेजमेंट, चूंकि हम लोग बहुत बुरा खाते हैं, एक तो हम लोग नींद नहीं लेते, एक तो हम व्यायाम नहीं करते, एक तो प्राणायाम नहीं करते, और ऊपर से खाने पीने की जो हमारी पौष्टिकता है वो बहुत पुअर है, मेल न्यूट्रिशन है। तो सही मानों में डायबिटीज इज अ मॉन्स्टर, राक्षस। पहले 50 साल पहले डायबिटीज से इतना डर नहीं था क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी बुरी नहीं थी। ओके, अब डायबिटीज से लोग चौकर ना हो गए। मतलब पहले ये था कि पूछा जाता था कि घर में किसी को डायबिटीज है, बिल्कुल, तो ये होता था कि अब आगे ये नॉर्मल बात हो, अब ये हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जो लोगों को डायबिटीज हो रही है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और अभी क्या उसके मात्र उसके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क से उसको दूर करते जाते हैं, जिसको नॉर्मल, जो पहले अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल है, पहले अब नॉर्मल था वो अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगर अब नॉर्मल अगर घोषित कर दिया गया तो जितने भी इंटरनेशनल फूड फ्लेवर्स, इंटरनेशनल प्रिजर्व फूड, इंटरनेशनल शेल्फ पे लगी हुई जितनी सारी चीजें बिकनी बंद हो जाएगी, तो उनकी जो लॉबीज है ना, जितने भी टेट्रा पैक्स वाले, जितने भी वो थैली वाले जो पैकेज फूड्स है, वैक्यूम वाले, सब, मतलब पहले ये होता था कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज बोल दिया जाता था और आप इसको रिलैक्स कर दिया गया कि नहीं चलेगा, थोड़ा आपके और 10 पॉइंट ऊपर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, और क्या था, लगभग 75 साल पहले की बात है, मेरी रिसर्च में पता किया है कि पहले लोग 6:30-7 तक भोजन कर लिया करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 75 ईयर हिस्ट्री। राइट, नहीं, आपको उसके पहले तो इंडिया में था ही। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मेरे जो पिताजी हैं वो घर आ जाते थे 5 बजे और 7:30 बजे तो किचन कंप्लीट हो जाता था। कंप्लीट हो जाता था, लोग बैठते थे चौराहे पे बैठते थे या वो इचके पे बैठते थे या फैमिली साथ में सोफे पे बैठ के 9:30-9 में खत्म हो जाता था खेल, और लोग 10 बजे में सो जाते थे, 5:30-6 में उठ जाते थे। उसकी वजह से डायबिटीज की इंसिडेंस बहुत कम होती थी। सिर्फ खाना अगर लोग 6:30-6 बजे कर ले और उसमें कोई भी प्रिजर्व्ड प्रोसेस या कलर्ड फूड ना खाएं तो डायबिटीज से बच सकते हैं, सिर्फ इतनी चीज करने से। राइट, बाकी चीज में कहा गया है कि अभ्यंगम जो है ना, तो पंचकर्मा में अभ्यंगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए। ओके, और अभी अभी नेचुरलिस्ट ने
बहुत सारे नेशनलिस्ट ने कम्युनिटी बनाई है जहां पर सिर्फ बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, सांस अंदर बाहर, पेट को फैलाते हैं और पेट रिलैक्स होता है, पेट को फैलाते हैं, ये कम से कम वो 11 मिनट 15 मिनट 21 मिनट करते हैं, जिससे डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिलती है, शुगर लेस होती है और पैनक्रियास मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है। ऑफ कोर्स साथ साथ अगर आप योग करोगे, साथ साथ अगर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी और सुबह रेगुलर उठोगे और सनशाइन सीधे शरीर पे लोगे, तो सारी चीज मिलके डायबिटीज का खात्मा कर सकती है। right. तो मुझे लग रहा है दो चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बाकी तो चीजें ठीक है जो तो लोग कर ही सकते हैं। एक तो खाना, खाने का मैनेजमेंट जिसमें आप क्या खा रहे हैं और खाने का वक्त, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप कह रहे हैं नींद, इन दिनों जो मोबाइल देश के अंदर आ गया है और अब जो सब आपके घर में सारा इंटरटेनमेंट से लेकर सारी न्यूज एक मोबाइल डिवाइस पर चली गई है और आप पूरे देश की ये कहानी कि बिस्तर पे भी जो है मोबाइल साथ में जाता है, बिल्कुल, फिर आप उसमें देखते रहते हैं और इसकी जो लाइट है और टीवी स्क्रीन की जो लाइट है और जो हमारे लैपटॉप्स की लाइट है, ये हमारे मेलाटोनिन सिक्रेशन को इनहिबिट करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी नींद गहरी नहीं हो पाती है और नींद आते आते रह जाती है। तो ऐसा मानना है कि 9:30 के पश्चात यू मस्ट ट्राई एंड डिस्कनेक्ट, जितना हो सके फिजिकल कॉन्टेक्ट रखो, लोगों से बातचीत रखो, हंस खेल करो और म्यूजिक सुनो, एंड कम से कम एक घंटा सोने के पहले तो यू मस्ट बी, यू शुड अवॉइड टेलीविजन एंड यू शुड अवॉइड योर स्मार्टफोन। तो कितना सोना चाहिए, क्योंकि लोग इस चक्कर में आजकल उनकी नींद भी छोटी हो गई है। मेरा मानना यह है और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि आजकल लोग 6-6.5 घंटे की स्टैंडर्ड नींद हो गई है और 6-6.5 घंटे विथ लेट डिनर्स इज वेरी पॉइजनस। ओके, खाना भी लेट खा रहे हो, सोते भी लेट हो, सुबह व्यायाम भी नहीं है और सांस भी आपकी धीमी चलती है, गहरी नहीं। ओके, सो यू हैव इरेटिक ब्रीदिंग, इरेटिक हार्ट बीट्स एंड नो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, सो पुअर ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो वंस अगेन ट्रांसलेट्स इनटू डायबिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपके ब्लैडर और बाउल की मूवमेंट्स भी रेगुलर नहीं है तो उसका भी वजन उस पर आता है। Right. तो सारी चीजों का, डायबिटीज एक ऐसी कड़ी हो गई है, कमजोर कड़ी जो हर चीज से टूट सकती है। राइट right. हर कोई मॉडर्न गाली से टूट सकती है। राइट right. तो एक तो बात हो गई नींद की, तो नींद एक बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ती है। तो जैसा आपने हमारे दर्शकों को कहा कि आप हो सके जितना जल्दी हो सके उतना सोइए, वक्त पर सोइए, टेलीविजन और मोबाइल से दूर रहिए ताकि नींद जो है वो गहरी आए और अच्छी आए। और उसके अलावा ये है कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करें। ये एक नेचुरल साइकिल है कि जो भी आदमी 10:30 तक बेड में जाएगा और 11 बजे को जिसको अच्छी नींद की उपलब्धि हो जाएगी और जो 6:30 बजे खाना खाता है उसको 4-6 के बीच सुषुप्ति की नींद अच्छी हो जाएगी। सुषुप्ति की नींद होनी चाहिए 2 घंटे, हर इंसान को 2 घंटे की सुषुप्ति की नींद होनी चाहिए। और जो व्यक्ति 6:30 में खाना खा लेगा और जो व्यक्ति पौष्टिक शाकाहारी खाना खाएगा और जो व्यक्ति 9:30 में सो जाएगा वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उड़ जाएगा, जैसे पेड़ पौधे पक्षियां उड़ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं अपने आप, एंड दिस इज मैजिक। यू विल बी सरप्राइज के 5:30 में कैसे आंख खुल जाएगी, 5 बजे में, और ऊर्जा के साथ आंख खुलती है। ऐसे नहीं कि आंख खुलती है फिर सोने का मन करता है, राइट, अंदर का अलार्म बजता है, बाहर का अलार्म नहीं। तो अंदर का अलार्म बजे तो वक्त पे सोना है और उससे पहले क्या खाएंगे उस पे भी डिपेंड रहेगा कि आप सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। चलिए, डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप गाड़गे की साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए। सर, काफी सारी बातें हमने कर ली यहाँ पर मिकी साहब से, क्योंकि पूरी तरह से लाइफस्टाइल से डिजीज से जुड़ी हुई मामला है, लेकिन फिर भी जो हम नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज, तो अंदर क्या बदल रहा है हमारे, हम ये बात कर ही रहे थे कि गलत खा रहे हैं, सो कम रहे हैं और भी गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, पैनक्रियास में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अब वो लोग भी डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजकल टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। अब इसमें बेसिकली स्वादुपिंड इंसुलिन बनाता है, एक तो दो प्रॉब्लम होते हैं, कम बनाता है और जो कुछ बन रहा है वो भी बराबर से काम नहीं कर पाता, राइट। सो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इसके वजह से मतलब बेसिकली इसके लिए बहुत रीजंस है, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुए, इनएडिक्वेट स्लीप वगैरह जैसे कि उन्होंने भी बताया। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमनली अभी बढ़ती जा रही है, स्पेशली यंगस्टर्स में, सिटिंग एट जॉब फॉर 8-10 आवर्स, ये सारी चीजें बढ़ने के वजह से, स्लीप के अभाव के वजह से,
डाइट के वजह से, फॉल्टी डाइट वगैरह, ये सारे के कॉम्बिनेशंस के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। राइट, तो क्या कोई क्राइटेरिया है, टाइम लिमिट है कि अगर मान लीजिए आपकी लाइफस्टाइल आपने 10 साल खराब की, 15 साल खराब की, 20 साल खराब की, तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, या कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है किसी को 2 साल में हो जाए, किसी के लिए वो समय भी पर्याप्त ना हो? सी बेसिकली ऐसा कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। प्लस यूजुअली ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक 20-25 साल का फॉल्टी लाइफस्टाइल यूजुअली है, बट देन देयर इज नो सच फिक्स क्राइटेरिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये मैं चाहूंगा कि दर्शक जो भी देख रहे हैं आप जरूर ध्यान से सुने, अगर इतनी देर अपना मोबाइल भी देख रहे हैं, तो वो ये कि बड़ों की तो ठीक है, इन दिनों हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं उनमें भी डायबिटीज आ रहा है, यानी वो देखिए अभी छोटे माँ बाप जो है वो थोड़ा उल्टा चलते, प्रसन्न होते हैं बच्चे को मैगडी खिला के, पिज्जा खिला के, कोल्ड ड्रिंक पिला के, तो बच्चे बचपन से ही इस फूड की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्या ये कारण है? ये डेफिनेटली कारण है, और इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि 10 ईयर्स 11 ईयर ओल्ड को टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो ये जो एक्चुअली जो 20-25 ईयर्स में, जैसा कि मैंने बताया आपको, लाइफस्टाइल खराब फॉलो करने के बाद में यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीज आते हैं, वही आजकल 10 साल और 12 साल में भी आने लग गए। जैसे अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ले लीजिए, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये यूजुअली पहले 40s के अप के लोगों को होता था, लेकिन आजकल मोबाइल पे इतना खेल रहे कि 20-22 सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स लेके प्रेजेंट, सबका ऐसा झुका हुआ ही रहता है सर, और इसी पोजीशन में सारे लोग मिलते हैं आज। करेक्ट करेक्ट, राइट। ठीक है, मैं आपसे कुछ और प्रश्न लूंगा, फिर एक बार डॉक्टर मेहता के पास आता हूँ। मिकी साहब, ये जो भी चीज है, अब कारण तो बहुत सारे हैं कि लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, और बहुतों की तो मजबूरी भी होती है क्योंकि वर्क स्टाइल ऐसे हो गए, ऑफिस लेट तक चलते हैं, काम भी करना है, घर भी चलाना है, तो क्या किया जा सकता है, कैसे आप इन सारी चीजों के बीच भी अपने आप को इन दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं? आउटडोर में टाइम ज्यादा बिताना चाहिए, आउटडोर, और अगर योग की बात करें तो ऐसे कुछ आसन हैं, जैसे मंडूक आसन है, भुजंग आसन है, पश्चिमोत्तासन है, चक्रासन है, पवन मुक्तासन है, ये सारे आसन से डायबिटीज पे बहुत प्रभाव पड़ सकता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। योर इंसुलिन मैनेजमेंट विल इम्प्रूव, और योग में एक महाबंध की क्रिया होती है, महाबंध जिसमें हम एक बार ब्रीद आउट कर लेते हैं, एक्सहेल करने के बाद हम वो उसको रिटेन करते हैं, और मूलधार को कस के हम जलंधर बन उद्यान बन करते हैं, मूलधार बंद करते हैं, और अपने आप को टाइट कस के पकड़ते हैं, और उसका एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। वो करने से भी डायबिटीज न्यूट्रलाइज हो सकती है। एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, वो अगर 21 मिनट दिन में 3 बार किया गया तो योर इंसुलिन मैनेजमेंट विल बी बेटर, इंसुलिन मैनेजमेंट एफिशिएंसी, योर पैनक्रियास मैनेजमेंट विल बी बेटर, एंड द सेंसिटिविटी will be lesser and body will respond. तो पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए ये अनुलोम विलोम बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और वैसे भस्त्रिका और कपाल भाती तो जैसे बाबा रामदेव बताते हैं कि ये भी उससे भी प्रभावित होता है, और हम उससे भी तंदुरुस्त हो सकते हैं, उसकी तंदुरुस्ती उससे भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें करें, और जैसे मैंने बताया कि नेचुरलिस्ट जो आजकल कर रहे हैं ग्रुप्स बना के सिर्फ गुपचुप बैठ जाते हैं, चलो एक बार उसको मेडिटेशन ना बताते हुए हम सिर्फ शांति में बैठ जाते हैं और ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पे हम फोकस करते हैं, स्टमक बलून और स्टमक कमिंग इन, जिसको जापानीज में तांदेन ब्रीदिंग कहते हैं। इससे रेस्टोरेशन ऑफ योर सर्कैडियन रिदम होती है, और रेस्टोरेशन ऑफ योर सर्कैडियन रिदम में ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ ऑल योर ऑर्गन्स, एंड दिस इज फिजियोलॉजिकली प्रूवन। वेरी गुड, आई एम श्योर यू एग्री विद मी। तो कुछ करना नहीं है, मतलब अगर सांस लेकर थोड़ा सा तरीके से लेकर जी मेरे आपको डायबिटीज से छुटकारा मिल रहा है, तो और आप क्या चाहेंगे। सो ये बात हो गई। शिखा शर्मा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ आ गई, थोड़ी लेट हो गई शिखा जी आप, क्योंकि विषय थोड़ा गंभीर था, लेकिन हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो घूम फिर के खाना इस पूरी प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाने में इन दिनों हम क्या गलती कर रहे हैं। देखिए पिज्जा बर्गर ये तो सबको मालूम है, लेकिन क्या कुछ और भी गलत खा रहे हैं हम इन दिनों, जिसकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है हमारी लाइफ में? जी बिल्कुल, देखिए जो डायबिटीज़ का खतरा है वो इस कारण से भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं होती है, और डायबिटीज़ का सीधा रिश्ता जो है वो आपके स्लीप से भी होता है। यानी कि 2-3 चीज़ें जो हम गलत कर रहे हैं, पहली बात है कि हम रात को हैवी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, उसके बाद जो रात की नींद है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज हैवी डिनर से नींद आपकी डिस्टर्ब होगी।
उसके बावजूद फिर हम नींद के नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो रहे हैं क्योंकि हम टेलीविजन देखते हैं या हम कोई वीडियो गेम्स या कुछ इस तरीके से हम बिजी रहते हैं अपने लैपटॉप पे. फिर सुबह क्या होता है कि जब आपकी बॉडी रिजुविनेटेड नहीं होती है तो आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो दैट इज़ नंबर वन. नंबर टू जो कारण है कि हमारी डाइट में पिछले कई 10 या 15 सालों में द अमाउंट ऑफ जो फाइबर है वो बिल्कुल कम के मतलब ना के बराबर हो गया है. और फाइबर जितना कम होगा डायबिटीज उतनी बढ़ेगी एंड इट इज़ अ रिलेशनशिप विच हैज़ बीन सीन. तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट में कई चीज़ें जो आ गई हैं वो बिल्कुल आर्टिफिशियल और एलियन है. जैसे जितने भी हम चाहे हम दूध की बात करें या चाहे हम जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की बात करें उसमें कई प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं जो अब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जितना हम पहले कंज्यूम नहीं करते थे. एंड जो हमारे खाने की जो प्रक्रिया भी है वो है फास्टिंग एंड फीस्टिंग. यानी एक बार में हम बहुत कुछ खाते हैं और फिर पूरे दिन हम फास्ट पे ऑलमोस्ट रहते हैं. मतलब हमारी खाने का एक रेगुलर निर्धारित समय ही नहीं है. इससे क्या होता है जी जी पैटर्न ख़त्म हो गया है. अब इसका अगर मैं आपको क्विक सोल्यूशन बताऊं, पहली बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रीन्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, बिकॉज ग्रीन एक तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है प्लस उसमें एंजाइम्स ऐसे हैं जो आपके गट के बैक्टीरिया को भी सही करते हैं जो डायबिटीज़ से इंटरकनेक्टेड है. इनफैक्ट इंटेस्टाइन को शरीर का दूसरा दिमाग माना जाता है और क्योंकि गट बैक्टीरिया अगर हेल्दी रहेगा तो डायबिटीज़ आप कंट्रोल में कर पाएंगे. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऊपर से फाइबर खाना चाहिए अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा फाइबर नहीं ला पा रहे हैं. जैसे वीट ब्रैन है, ओट ब्रैन है, उसको अलग से भी आप कंज्यूम करें तब भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. ठीक है. और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, कुछ और चीज़ें मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा. और एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के बीच में भी ये एक डिबेट टाइप की है कि भाई डायबिटीज़ जो है वो एक अंडरलाइंग कंडीशन है, उससे डेथ नहीं होती किसी की. तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बाकी एक्सपर्ट भी, उनसे पूछेंगे कि डेथ नहीं होती वो तो ठीक है लेकिन कारण ही अगर इतना बड़ा हो जो सब आपको मौत की तरफ ही लेकर जाएगा तो फिर और अलग से आपको किस चीज़ का इंतज़ार करना है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी रहेगी.
तो डायबिटीज इन्हें दबे पांव मौत और ये हो रहा है। तो चलिए अब हमारे पास समय है थोड़ा कम, तो फटाफट इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रदीप, मुझे बताइए कि आपकी फैटर्निटी में ये बड़ी डिबेट है, बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना ये है कि भाई डायबिटीज तो एक अंडरलाइन कॉज है, उससे किसी की डेथ नहीं होती, जबकि अब अगर वही रास्ते पर ले जा रहा है तो फिर कैसे ना माने कि ये खुद मौत का कारक है। से अगर आप इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो डायबिटीज इज द सेवंथ बिगेस्ट किलर, द फर्स्ट बीइंग कार्डियक मॉर्टेलिटीज एंड द सेकंड बीइंग ऑन्कोलॉजी कैंसर्स एंड ऑल। तो अगर आप देखें तो वैसे सेवंथ पे आता है, लेकिन इफ यू सी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ डायबिटीज। लाइक 80% डायबिटिक पेशेंट इधर हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मरते हैं। तो समवेयर डायबिटीज इज प्लेइंग अ मेजर रोल। अनफॉर्चुनेटली ये क्वांटिटेट कैसे किया जाए, जैसे कोई अगर हार्ट अटैक से मर रहा है तो उसमें डायबिटीज का कितना रोल है ये क्वांटिटेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अदरवाइज इफ यू सी एक्चुअली डायबिटीज इज अ वेरी बिग किलर, प्रोबेबली जो भी ये स्टडी में बताया है जो सेकेंड बिगेस्ट किलर, आई एग्री विद इट एक्चुअली। राइट, तो अब मिकी साहब, डायबिटीज है या डायबिटीज नहीं है, उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो इस मैनेजमेंट का रामबाण कोई तरीका बता दीजिए। देखिए, ये जो जंगल में दंगल है, ये कॉन्क्रीट जंगल है और उसमें कॉन्स्टेंट दंगल है, सो खींचतान है। तो एक सिंपल सा रामबाण है कि एक ही एक मैं पर्टिकुलर आसन बताऊंगा, अगर एक्टिव रहना चाहो तो कुर्सी के साथ टेबल के साथ भुजंग आसन, ओके, और उसमें ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, और फिर गो बैक टू पर्वतासन, वो एक है। और अगर जगह नहीं है तो ट्रेन में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, घर में हो, ऑफिस की सीट पे हो, हर 3 घंटे एक 3 से 5 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके जस्ट बी, डोंट डू एनीथिंग। एक बार अलाउ योर बॉडी क्लॉक्स टू रीसेट, रीओरियंट, रीऑर्केस्ट्रेट, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और एक लास्ट चीज है, जितना हो सके, मैडम शिखा जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि ग्रीन ज्यादा खाएं, उसमें एंजाइम्स अच्छे होते हैं, फाइबर ज्यादा खाएं, मगर एक सारा दिन अगर आप कोई भी हर्बल टी का सेवन करते रहें, हीट रहेगी, थर्मोजेनेसिस रहेगा, पाचन शक्ति रहेगी, तो उससे भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। right. और ऑफकोर्स हो सके तो अभ्यंगम कीजिए, हो सके तो विरेचन कीजिए, हो सके तो शिरोधारा कीजिए, सारी चीजें आयुर्वेदा की क्रिया करेंगे तो आप हो जाएंगे नेचुरलाइज, आप हो जाएंगे एनर्जाइज, आप हो जाएंगे ऑप्टिमाइज, डायबिटीज हो जाएगी न्यूट्रलाइज और आप हो जाएंगे मिकी माइज। ठीक है, तो एक दिन हम अलग से एक शो ही कर लेंगे इन सारी चीजों पे ताकि दर्शकों को अलग से मौका मिल जाए। लेकिन कुल मिला के सार ये कि सिर्फ अगर आप ढंग से सांस लेना भी शुरू कर देंगे, जैसा मिकी साहब बता रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे दिन के इस टाइट शेड्यूल में, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो आपके साथ हो वो आप निकाल लेंगे, तो डायबिटीज अगर नहीं है तो हो सकता है आपको ना हो आगे, और अगर हो गई है तो आप कम से कम उसे अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मैनेज डायबिटीज मौत का कारण कम ही जगह बनती है। तो यही उम्मीद करते हैं कि जो दबे पांव मौत है जो डायबिटीज से आ रही है, इसे हम दूर भगाएंगे। जो टैग लग गया हिंदुस्तान पर डायबिटीज कैपिटल का, उस पर भी हम शायद कोई अंकुश लगा पाए, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।